नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। कनाडा और भारत के बीच का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। खालिस्तान को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान से शुरू हुआ ये विवाद अब दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सेहत पर असर डालने लगा है। भारत और कनाडा के खराब हो चुके संबंधों का असर दोनों देशों के व्यापारों पर भी पड़ने लगा है। कनाडा और भारत के बीच बढ़ते तनाव का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कनाडा से अपना कारोबार समेटने का फैसला किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कनाडा में अपनी सब्सिडियरी कंपनी के साथ ऑपरेशन को बंद कर दिया है। उन्होंने कनाडा बेस्ड कंपनी रेसन एरोस्पेस कॉरपोरेशन के ऑपरेशन को बंद कर दिया है। कनाडा और भारत के बीच तनाव का असर कारोबार पर सीधा है। पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कनाडा के फर्म रेसन एरोस्पेस कॉरपोरेशन से अपनी साझेदारी को खत्म कर दिया, तो अब भारत की एक और कंपनी ने कनाडा की कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है। भारत की जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड कंपनी कनाडा की टेक रिसोर्सेस के साथ डील करने जा रही थी। जेएसडब्ल्यू कनाडा की कंपनी टेक रिसोर्सेस की स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोल यूनिट में हिस्सेदारी खरीदने जा रही थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच बढ़ते विवाद के बीच कंपनी ने इस डील को धीमा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएसडब्ल्यू ने टेक रिसोर्सेस में हिस्सेदारी खरीदने की चर्चा को अभी धीमा किया है। एक नामी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी दोनों देशों के बीच अब इस पनपे तनाव के कम होने का इंतजार कर रही है। कनाडा के लिए भारत की जरूरत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कनाडा में 5.26% प्रवासी भारतीय हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 3,21,340 प्रवासी भारतीयों में से 5% कनाडा में है। इतना ही नहीं, कनाडा में लगभग 2,00,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। कनाडा की ये कमजोरी है कि उनकी इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर निर्भर करती है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय छात्र कनाडा की इकोनॉमी में $30 बिलियन का योगदान देते हैं, जिसमें भारतीय छात्रों की एक बड़ी हिस्सेदारी है। भारतीय छात्रों के फीस के तौर पर कनाडा में मोटी रकम पहुंचती है। अगर दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़े और भारतीय छात्रों को वहां जाना बंद हो जाता है, तो कनाडा की इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लग सकता है। अगर बात की जाए तो कनाडा की कुल आबादी तकरीबन 3,82,00,000 की है, जिसमें से लगभग 2.5% यानी 9,42,170 पंजाबी हैं। ये लोग ना केवल वहां नौकरी करते हैं बल्कि बिजनेस से लेकर एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग पर इनका अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है। अगर दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े तो इसका असर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर साफ देखा जा सकेगा। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक TCS, इंफोसिस, विप्रो जैसी 30 भारतीय कंपनियों ने कनाडा में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इन कंपनियों की वजह से कनाडा में बड़ी जनसंख्या को रोजगार पैदा हो रहे हैं। वहीं कनाडा की सबसे बड़ी पेंशन फंड ने अकेले भारत में 1,74,000 करोड़ का निवेश किया है। कंपनी ने यह निवेश लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर किया है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच प्रतिबंधों का ऐलान होता है तो कनाडा की मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं दोनों देशों के बीच अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी ये जो असर है ये देखने को मिल सकता है। इन्वेस्ट इंडिया के मुताबिक अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक कनाडा ने भारत में लगभग $3,306 मिलियन का निवेश किया है। भारत कनाडा का 9वां सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। अगर संबंध बिगड़ते हैं तो कनाडा को साफ तौर पर इसका नुकसान झेलने को जो है देखा जा सकता है कि कनाडा की इकोनॉमी पर एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।